स्टूडेंट्स, हम लोग कंटिन्यूएशन में पढ़ रहे हैं कि हाइट एट विच द वेलोसिटी बिकम्स ज़ीरो. हम लोग दो चीज़ें फाइंड करेंगे, एक तो वो हाइट जहाँ पे वेलोसिटी ज़ीरो होती है और एक वो हाइट जहाँ पे टेंशन ज़ीरो होता है. और ये दोनों ही चीज़ें हमारे को काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर हमें नेक्स्ट कंडीशन पढ़नी है तो, जिसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि पार्टिकल कब ऑसिलेट कर रहा है, किस कंडीशन में, और किस कंडीशन में अपना पाथ छोड़ देता है. तो सबसे पहले हम लोग जो है फाइंड करते हैं हाइट एट विच द वेलोसिटी बिकम्स ज़ीरो. वी नो दैट हमारे पास वेलोसिटी का फॉर्मूला है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू जी एच. अगर हम वी को ज़ीरो कर देंगे तो हमें मिलेगा यू स्क्वायर माइनस टू जी एच, एंड देयरफॉर एच इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन टू जी. ये जो हाइट है, सपोज़ मैं इसको h1 नाम देता हूँ, तो ये जो हाइट है यहाँ पे वेलोसिटी जो है पार्टिकल का वो ज़ीरो हो रहा है. तो स्टूडेंट्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जिसे हमें ध्यान में रखना है. जितनी ज़्यादा इनिशियल वेलोसिटी होगी उतनी ज़्यादा हाइट पे वेलोसिटी ज़ीरो होगा, ठीक है. और अगर जो है आपकी इनिशियल वेलोसिटी, जैसा कि अभी हमने देखा, रूट ऑफ 5gr है, तो फिर जो है वेलोसिटी ज़ीरो होगी नहीं, पार्टिकल जो है वो कंप्लीट सर्कल करेगा. सेकंड जो है हम फाइंड करेंगे हाइट एट विच टेंशन बिकम ज़ीरो. स्टूडेंट्स, हमें टेंशन की इक्वेशन पता है, वी नो दैट टेंशन टी इज एम जी कॉस थीटा प्लस एम बी स्क्वायर अपॉन आर. हमें हाइट फाइंड करनी है कि जहाँ पे टेंशन ज़ीरो है, मतलब ये इक्वेशन एच के टर्म्स में होनी चाहिए. तो दिस इज इक्वल टू एम जी इंटू कॉस थीटा को हम लोग जो है हाइट के टर्म्स में लिख सकते हैं, दिस इज आर माइनस एच अपॉन आर. स्टूडेंट्स, आप लोग जो है हमने लास्ट शीट में जो देखा, सबसे पहले जो सर्कल ड्रॉ किया था उसमें ये एंगल जो है वो थीटा है, दिस एंगल इज थीटा. ये हाइट जो है वो हमारी एच है, दिस हाइट इज एच. और ये पूरा जो है वो रेडियस है. तो आप रेडियस में से अगर हाइट एच निकालोगे तो ये पोर्शन आपको मिलेगा कॉस थीटा इज दिस आर माइनस एच अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज आर. तो इस प्रकार से आपको जो है कॉस थीटा की वैल्यू मिल जाएगी प्लस एम अपॉन आर. वी स्क्वायर को हम लोग जो है हाइट के टर्म्स में लिखेंगे तो हमारे पास यही फॉर्मूला है, दिस इज यू स्क्वायर माइनस टू जी एच. तो ये टेंशन की इक्वेशन हमको हाइट के टर्म्स में मिलती है. अब अगर हमें चाहिए हाइट एट विच द टेंशन बिकम ज़ीरो, तो हम टेंशन को ज़ीरो कर देंगे. नाउ ज़ीरो इज इक्वल टू द सेम वैल्यू, दिस इज एम जी इंटू आर माइनस एच अपॉन आर प्लस एम अपॉन आर इंटू यू स्क्वायर माइनस टू जी एच. देखिए, एम अपॉन आर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है. हमको मिलेगा therefore rg माइनस जी एच प्लस यू स्क्वायर माइनस टू जी एच इज इक्वल टू ज़ीरो. तो यहाँ से हमको मिल रहा है थ्री जी एच इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस आर जी. और यहाँ से हाइट मिल जाएगी यू स्क्वायर प्लस आर जी अपॉन थ्री जी. सपोज़ इस हाइट को मैं नाम देता हूँ एच टू. तो ये जो है सेकेंड इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है जो कि हमें याद रखनी है. इस हाइट पे वेलोसिटी ज़ीरो हो रही है और इस हाइट पे टेंशन ज़ीरो हो रहा है. अब दोनों में से जो भी हाइट पहले आएगी उस पे डिसाइड करेगा कि पार्टिकल ऑसिलेट करेगा या सर्कल का पाथ छोड़ देगा. बट ऑब्वियसली अगर स्पीड पहले ज़ीरो होती है और टेंशन रहता है स्ट्रिंग में तो वो ऑसिलेट करता है, हमें पता है, ठीक है. तो नेक्स्ट शीट में हम लोग कंटिन्यूएशन में देखते हैं कंडीशन फॉर ऑसिलेशन.